वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश की करंट आउटलुक जो है वो जनवरी से दिसंबर तक का प्रिंटआउट फॉर्म में, कभी कभी मैं बीच बीच में इसका लिंक देता रहता हूँ। इसके अलावा हमारा जो ई बुक है इसका, वो अब आप खरीद सकते हैं। पूरे आपका जो अगले जो एग्जाम्स आने वाले हैं, उन पूरे एग्जाम्स में आपको ये मध्य प्रदेश का जो करंट आउटलुक है डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है। और आप ही मान के चलिए कि यहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आप जरूर ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पे टाइम टाइम पे मैं नोटिफिकेशन देता रहता हूं। इसके अलावा हमारा जो प्रिंट आउट फॉर्म में करंट आउटलुक है, इसका मैं 4 से 5 दिन का टाइम देता हूं, जिसमें इसकी बुकिंग करनी होती है, उसके बाद फिर मैं इसको सेंड करता हूं। करीब 8 से 10 दिन का समय लगता है ये आप तक पहुंचने में, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप ज्वाइन इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, मध्य प्रदेश करंट आउटलुक फैंस इसके नाम से है, टेलीग्राम पर मैंने बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है वो हमारा आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो की। खुशखबरी आज की डेट में आपके लिए आई है, और वो खुशखबरी ये है कि आपका जो अगले साल का यानी कि 2019 का जो परीक्षा कार्यक्रम है, उनकी टेंटेटिव डेट्स जो है वो आ गई है। हालांकि डेट्स में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम जो है वो आपके नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार है। हालांकि जो जो परीक्षा के लिए जो व्यापम को हटा के जो बनाने राज्य चयन आयोग बनाने वाले थे, उसका तो खैर अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं मिल पाई है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो भी है पूरा ने शेड्यूल इसका दे दिया है, और आप दे सकते हैं। इसमें जो टेस्ट है आपके और जो आपका एग्जाम टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए जो एग्जाम है वो रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, तो अप्रैल और मई इन 2 मंथ में कोई भी रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपके व्यापम के चलेंगे, जैसे पॉलिटेक्निक का, एग्रीकल्चर का। लेकिन अगर हम जून के महीने की बात करें, तो किसान कल्याण और कृषि विकास के ग्रामीण विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ये होगा आपका 1-2 जून, ये मतलब एक टेंटेटिव एग्जाम की जो डेट है वो होगी। इसके अलावा जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट जो है आपका वो इस साल होगा, ग्रुप 5 रिक्रूटमेंट टेस्ट 2019 का होगा, ये भी आपका जून में, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो आपका जून में होगा। यानी कि जैसे ही आपके इलेक्शन खत्म होते हैं, अभी तो खैर आचार संहिता लग जाएगी, फिर इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन के जस्ट बाद जो है आपका ये आ जाएगा। इसके अलावा कौशल विकास संचालनालय में जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर है, काफी टाइम पहले आई थिंक 2015 या 16 में इसकी वैकेंसी निकली थी, ये फिर से इसकी वैकेंसी आएगी, और ये एग्जाम होगा आपका जुलाई में, ठीक है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि एसआई का जो टेस्ट है वो आपका हो जाएगा अगस्त में, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 ये आपका अगस्त में जाएगा। सितंबर की अगर हम बात करते हैं, तो संचालनालय महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी ये आपकी रिक्रूटमेंट एग्जाम सितंबर में जाएगा, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 जो है आपका वो सितंबर में होगा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है ये भी आपका सितंबर में जाएगा। इसके अलावा अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्जाम, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो आपका लेबर इंस्पेक्टर से संबंधित जो पोस्ट निकलती है वो आपका जाएगा अक्टूबर में। अगर नवंबर की बात करते हैं, तो इसमें भी आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का। इसके अलावा जो दिसंबर माह का है आपका ग्रुप 3 सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट टेस्ट और आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट ग्रुप 4 का जो है वो होगा आपका 21-22 दिसंबर, ठीक है। तो ये पूरा एक टेंटेटिव शेड्यूल है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु समय समय पर प्रकाशित राजपत्रों में विभाजित परीक्षा समूह की एक जाई जानकारी पीवी की वेबसाइट पर देखें, तो वो आप वेबसाइट पर यहाँ पर जाके उसकी जानकारी पूरी देख सकते हैं, पूरा PDF है ये, पूरा जो GAD सर्कुलर होता है वो आप पूरा यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि किस में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पूछा जाता है। सारी जैसे फॉर एग्जांपल उपसमूह 1 कृषि है, इसमें जो निकलेंगी उपसमूह 2 उपसमूह 3 इनमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये देखिए संबंधित विषय से 100 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, तार्किक योग्यता, गणित विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ये सारी जो चीजें हैं 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है इसमें आपका डिटेल मिल जाता है, जो जिस लेवल की पोस्ट होती है उस पोस्ट के हिसाब से ये पूरा रहता है, और कौन कौन से लोग जो है वो उसमें एलिजिबल होते हैं, कौन से जो पोस्ट हैं वो निकलती हैं, कितने पेपर होते हैं, वो पूरी जो जानकारी है आपको इसी GAD सर्कुलर में मिलती है। तो ये GAD सर्कुलर मैं यहां से डाउनलोड कर लेता हूं, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पे मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जल्दी से लग जाइए अपनी तैयारियों में, क्योंकि अब ये मौका दूसरी बार नहीं मिलेगा, पूरे साल एग्जाम्स होने हैं, और अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे, केवल इंतजार करते रहोगे, तो फिर इंतजार ही करते रहोगे। इसलिए तरीके से लग जाइए अपनी तैयारी में। अगर कोई तैयारी आप चाहते हैं कि मैं आपको करवाऊं,
तो आपको रेगुलर वीडियोस देखने होंगे, और अगर आप रेगुलर वीडियोस पे व्यूज देते हैं तो मैं भी आपको किसी न किसी एग्जाम की स्टार्टिंग से ही तैयारी करवाऊंगा। तो ये था हमारा पूरा परीक्षा कार्यक्रम, इस पूरा आप कार्यक्रम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।